हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और कुछ थ्योरम्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का ये लेक्चर नंबर थर्ड है। डिफरेंशिएबिलिटी का हमारा लेक्चर नंबर थर्ड। तो फ्रेंड्स, दो लेक्चर में हमने डिस्कशन कर लिया है डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन के बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जो ऑप्शन होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है, और डिफरेंशिएबिलिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम एक थ्योरम नंबर है 3.1 पे डिस्कशन किया है, जो परिमित अवकलज के डेरिवेटिव पर आधारित होती है। परिमित अवकलज के डेरिवेटिव पे उस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो था स्टूडेंट्स कि अवकलनीय फलन सतत होते हैं, ये उसकी आवश्यक कंडीशन थी, नेसेसरी कंडीशन फॉर फाइनाइट डेरिवेटिव। मतलब अवकलनीय फलन सतत होते हैं, परंतु सतत फलन का क्या है, अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। ये था हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इस थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं आज हम उन पर डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था स्टूडेंट्स कि ये जो है वो सतत होता है परंतु अवकलनीय नहीं है। अब उसी की जांच करेंगे हम। तो जांच कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी में हमने देखा था कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट, किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, मतलब उस बिंदु पर किसी भी बिंदु पर उस फलन का मान, उस बिंदु पर फलन की दाई सीमा बाई सीमा तीनों इक्वल हो तो फलन सतत होता है। अगर तीनों में से कोई एक कंटिन्यूटी की हमारी डेफिनेशन थी, जैसे x इक्वल टू c पे हमें देखनी है, तो x इक्वल टू c पे फंक्शन का मान x इक्वल टू, जैसे c पे हम देख रहे हैं कंटिन्यूटी, x इक्वल टू c पे कंटिन्यूटी, तो x इक्वल टू c पे फंक्शन का मान फलन की दाई सीमा फलन की बाई सीमा एफ सी प्लस एच बराबर हो एफ सी माइनस एच। अगर ये वाली कंडीशन है स्टूडेंट्स तो फंक्शन क्या होता है, एक्स इक्वल टू सी पे सतत होता है। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी के लिए x इक्वल टू c पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब f डैश c प्लस एच या c प्लस जीरो बराबर होगा f डैश c माइनस जीरो के। अगर ये वाली कंडीशन है तो फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, मतलब अब हमें थ्योरम में जो हमारी 3.1 थी फाइनाइट डेरिवेटिव के एक्जिस्टेंस या अस्तित्व पर आधारित, उस पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एग्जांपल नंबर हमारा वैसे फर्स्ट ये इसी थ्योरम सतत फलनों पर आधारित, सतत किंतु अवकलनीय नहीं होने वाले, सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है, उन एग्जाम्पल्स उन इस स्टेटमेंट पर आधारित एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फलन है, फंक्शन है पहला 2015 और 2017 में आया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2015 और 2017 में आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब सतत किंतु अवकलनीय नहीं है, ये हमारा थ्योरम का जो पर्याप्त कंडीशन थी ना स्टूडेंट्स वो ये वाली है, उस पर आधारित जो एग्जाम्पल है उन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है एफ एक्स इक्वल टू मापांक ऑफ एक्स, मैंने बताया अभी था आपको थ्योरम के लिए फल क्वेश्चन के फ्रेंड्स, या एग्जांपल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरा पार्ट पढ़ेंगे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या फ्रेंड्स, फलन एफ एक्स इक्वल टू है मापांक ऑफ एक्स, इसने बोला है एक्स बराबर जीरो पर सतत है, सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है, किंतु अवकलनीय नहीं है, ये हम देखें किंतु अवकलनीय नहीं है। और किसी एग्जाम्पल
एग्जांपल का यूज हमने कहाँ किया था स्टूडेंट्स, इसी एग्जांपल का यूज हमने किया था, इसमें किया था स्टूडेंट, इस एग्जांपल का यूज हमने हमारी थ्योरम 3.1 में किया था कि फलन अवगणनीय है, सतत होता है, परंतु सतत फलन का अवगणनीय होना आवश्यक नहीं है। तो इसने बोला है कि fx मापांक बराबर 0 पर सतत है किंतु अवगणनीय नहीं है। तो सबसे पहले x=0 पर इसकी कंटिन्यूटी की जांच करेंगे कि है या नहीं है, फिर x=0 पर इसकी डिफ्रेंशिएबिलिटी की जांच करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका प्रूवमेंट, देखिए स्टूडेंट्स इसका क्या सॉल्यूशन। पहले जांच करेंगे हमें कंटिन्यूटी, सांतत्यता या कंटिन्यूटी। x=, किसी भी पॉइंट पर फलन की कंटिन्यूटी क्या होती है, x=c पे fc + h fc - h फलन की दाएं सीमा बाएं सीमा फलन का मान। तो कंटिन्यूटी फल fx x = 0 पर सतत होगा यदि, यदि x = 0 पर फलन निम्न कंडीशन या निम्न शर्त को संतुष्ट करता। तो स्टूडेंट्स तो शर्त क्या होगी, उस पॉइंट पे x = 0 पे तो f0 का मान बराबर होना चाहिए f0 + h f0 + h = f0 - h। ये कंडीशन है, अगर इस कंडीशन को फलन है वो संतुष्ट करेगा तो फलन क्या होगा, सतत होगा। इसलिए क्योंकि कंटिन्यूटी की जांच करें, क्योंकि fx = हमारा मापांक fx, अतः x = 0 पर फंक्शन का मान x = 0 पुट करना है, तो f0 पे फलन का मापांक 0 है तो बाहर कितना आएगा 0, तो f0 पे फंक्शन का मान आ गया हमारा 0। नंबर ए, तो स्टूडेंट्स अब फलन की क्या देखेंगे, हमें अब फलन की बाई सीमा देखेंगे, फलन की बाई सीमा देखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आ जाएगा f0 + h = लिमिट h → 0 f0 + h। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h → 0 या दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इसको, यहाँ से आ जाएगा ये हमारी राइट हैंड लिमिट। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट f0 + h, लिमिट h → 0 f0 + h। फंक्शन की जगह फंक्शन हमारा मापांक ऑफ एक्स, इसकी जगह 0 + h रखना है, या ये आ जाएगा यहाँ से लिमिट h → 0 f0 + h sin, या फंक्शन है ये वाला एक्स, तो एक्स मतलब एक्स की जगह क्या रखना है 0 + h, तो 0 + h। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h → 0 मापांक में h, लिमिट पुट करेंगे मान आएगा हमारा 0, h → 0 मान आएगा इसका 0, इसलिए राइट हैंड लिमिट आ जाएगी f0 + h बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड लिमिट आ गई हमारी ये वाली इक्वेशन नंबर है हमारे पास ये 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगी f0 - h या लिमिट x = 0, x = 0 हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे देख रहे हैं उस पे, तो f0 - h लिमिट x → 0 f0 - h। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से f0 - h बराबर आ जाएगा लिमिट x → 0 f0 - h, फंक्शन है ये वाला x की ना 0 - h रखना है, तो मापांक में 0 - h, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा f0 - h बराबर लिमिट h = 0
मापांक में माइनस एक्स, मापांक में प्लस माइनस का फर्क पड़ता नहीं है, बार पॉजिटिव मान आता है, लिमिट पुट करेंगे एच इक्वल टू जीरो, उसका मान आएगा जीरो, तो एफ जीरो माइनस एच बराबर जीरो। क्या ये आगे हमारे पास है राइट हैंड या लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड। ये होगी इक्वेशन नंबर हमारी थ्री। समीकरण एक दो तथा तीन से स्पष्ट है कि समीकरण एक दो तथा तीन से स्पष्ट है कि पॉइंट पे फंक्शन का मान, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, इक्वल है, अतः एफ एक्स इक्वल टू मापांक ऑफ एक्स, एक्स बराबर जीरो पर सतत है। ठीक है स्टूडेंट, कंटिन्यूस हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करनी है। अब क्या करेंगे, अब x इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता देखेंगे, तो अवकलनीयता के लिए क्या लिखेंगे फ्रेंड, अवकलनीय का होगा फंक्शन, वो कंडीशन होती है, तो फलन एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स, एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय, अवकलनीय होगा यदि, अवकलनीय होगा यदि, अवकलनीय होगा यदि एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स निम्न शर्त को संतुष्ट करे, निम्न शर्त को संतुष्ट करे, निम्न शर्त को संतुष्ट करे। शर्त क्या होगी, फलन का राइट हैंड डेरिवेटिव तथा फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो, बराबर हो। उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, उस कंडीशन में फलन एक्स बराबर जीरो पे क्या हो जाएगा, हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन होगी। अगर इस कंडीशन को कोई भी फंक्शन अगर संतुष्ट करता है तो फलन क्या होता है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। अगर ये वाली कंडीशन जो है वो फलन क्या करता है, संतुष्ट करता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फलन अवकलनीय हो जाएगा। अतः लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन और राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमारे पास होती है, क्योंकि क्योंकि पहले राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है किसी भी पॉइंट पे, जैसे सी पे ले एफ सी प्लस जीरो या सी प्लस एच, एच टेंस टू जीरो है, एफ सी प्लस जीरो भी लिख सकते हैं, सी प्लस एच लिख सकते हैं, एफ सी प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, एच का मान ग्रेटर देन जीरो। ये क्या है, फलन का राइट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से फलन का मान ज्ञात करेंगे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव का, तो एफ सी प्लस एच या सी प्लस जीरो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देख रहे हैं, एफ सी प्लस जीरो तो लिमिट एच टेंस टू जीरो है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ सी प्लस एच फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास सी का मान जीरो है, जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं सी इक्वल टू क्या हमारे पास है, जीरो, एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो, ये वाला पॉइंट है हमारे पास। तो यहाँ से आ जाएगा फंक्शन है हमारे पास मापांक ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह सी प्लस जीरो या इधर रखना है जीरो प्लस एच, सी का मान जीरो है, जीरो तो जीरो प्लस एच, या पहले पॉइंट लिख देती हूँ, तो यहाँ पे हमें लिखना एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, और एच का मान ग्रेटर देन जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, सी का मान क्या है हमारे पास है, जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, मापांक ऑफ एक्स है तो यहाँ से आ जाएगा मापांक ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो पे फंक्शन का मान जीरो, देखा है एफ जीरो पे फलन का मान है जीरो, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास एच, तो यहाँ से बचा लिमिट
H टेंस टू जीरो, मापांक ऑफ H अपॉन H, मापांक से बाहर, पॉजिटिव मान, पहले फलन को सोल्व करेंगे बाद में लिमिट पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सोल्व होता है तो F डैश है, F डैश डेरिवेटिव है, F डैश C प्लस जीरो इक्वल टू लिमिट H टेंस टू जीरो, मापांक से बाहर पॉजिटिव मान आता है तो इसका मान आ गया 1, लिमिट बाद में पुट करेंगे, अगर फंक्शन अपना सोल्व होता है तो पहले फलन को क्या करेंगे हमें सोल्व करेंगे बाद में लिमिट पुट करेंगे, तो इसका मान आ गया 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया हमारा 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर मान लिए इसको 4, पुनः अब क्या देखेंगे, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, किस पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो सी का मान कितना है 0, तो यहाँ से हमारे पास एफ सी माइनस जीरो, या सी माइनस एच बोल सकते हैं, ये सी प्लस एच है हमारे पास, तो सी माइनस एच पे इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और एच का मान 0 से बड़ा, ये होती है हमारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन, तो यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ से क्या आ जाएगा एफ सी माइनस सी का मान कितना है हमारे पास 0, तो आ जाएगा 0 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, सी की जगह 0 रख लेंगे पहले, 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, एच का मान 0 से बड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा एफ 0 माइनस एच इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, फंक्शन है मापांक ऑफ एक्स तो 0 माइनस एच, तो यहाँ से रखेंगे फंक्शन की जगह 0 माइनस एच मापांक, एफ 0 पे फंक्शन का मान 0, नीचे माइनस एच, मापांक से बाहर पॉजिटिव मान आता है, प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता, लिमिट एच टेंस टू 0 मापांक में माइनस एच, नीचे माइनस का एच, मापांक से बाहर पॉजिटिव मान आएगा तो ऊपर तो आ जाएगा एच, तो यहाँ से आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 ऊपर एच नीचे माइनस एच, कट गया एच एच, माइनस 1 मान आ गया इसका, तो ये क्या हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, समीकरण 4 तथा 5 से स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, समीकरण 4 तथा 5 से स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला है, तो इसका मतलब फलन क्या नहीं है, अतः एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन मापांक ऑफ एक्स क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, तो हमारा थ्योरम की जो कौन सी कंडीशन थी, पर्याप्त प्रतिबंध था, वो ये वाला था कि दिया गया फलन जो है वो क्या है, सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है 2015 और 2017 में आया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे और भी आया हुआ होगा 2012 में, नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन बिंदु x बराबर 0 पर सतत किंतु अवकलनीय नहीं है, सेम प्रोसेस दोहराना है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शन अब की बार हमारे पास है, नेक्स्ट में हमारे पास फंक्शन है जो फलन हमारे पास कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में आया है, ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी के लिए तो हमें देखनी है फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा, ठीक है स्टूडेंट्स, और डेरिवेटिव के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो आगे वाला है हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2012 में, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे वाला फलन जो है वो है फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स इक्वल टू है, यह एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 है एक्स बराबर 0, ये वाला हमारे पास फंक्शन है, इसने कहा एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी की जांच कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें फंक्शन दे रखा है जब एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर है, ये वाला, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास फलन है एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स बराबर 0 पे फंक्शन का मान है 0, एक्स इक्वल टू 0 पे फलन का मान 0, परंतु जब एक्स है वो 0 की ओर अग्रसर है उस कंडीशन में हमारे पास फंक्शन है
ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला फंक्शन है। तो सबसे सिद्ध क्या करना है, सतत है, वही कंडीशन सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है, किंतु अवकलनीय नहीं है। सांतत्यता तो हमने कहाँ देखी थी इसकी, हमने देखी थी कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में, परंतु फिर हम करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट्स। तो इसका सॉल्यूशन है यहाँ से, उस एक्स इक्वल टू जीरो पे जांच करनी है, एक्स बराबर जीरो पे देखनी है हमें, एक्स बराबर जीरो पे देखनी है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन का मान, फंक्शन की दाएं सीमा, फलन की बाएं सीमा, क्योंकि एक्स बराबर जीरो पे फलन का मान है एफ जीरो, फंक्शन का मान एक्स बराबर जीरो पे क्या स्टूडेंट्स, जीरो, एफ जीरो पे जीरो है, ठीक है स्टूडेंट, समीकरण नंबर एक। आगे फलन की क्या देखनी है, फलन की दाएं सीमा बाएं सीमा, पहले देख लेते हैं एफ जीरो प्लस एच, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखेंगे स्टूडेंट्स। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास राइट हैंड लिमिट के लिए होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, ये वाला फंक्शन एक्स की जगह जीरो प्लस एच रखना है, तो जीरो प्लस एच साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो बार एच गुणा अंदर साइन वन अपॉन एच, इसका मान वन और माइनस वन के बीच रहेगा, क्योंकि वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी इसका मान वन, परंतु बार कितना स्टूडेंट्स एच है, एच टेंस टू जीरो है, तो जीरो इंटू मान है वन तथा माइनस वन के बीच, ये वाला मान आ गया हमारा। तो बार जीरो है, कोई भी मान आए जीरो से गुणा करेंगे तो मान आएगा जीरो, इसका मतलब है इसकी जो राइट हैंड लिमिट है जीरो प्लस इक्वल टू आ गया हमारे पास है जीरो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे स्टूडेंट्स इसी के अकॉर्डिंग, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे एफ जीरो माइनस एच देखेंगे, तो यह जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, ठीक है स्टूडेंट्स, जीरो माइनस एच रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू, फंक्शन है एक्स की जगह जीरो माइनस एच रखना है, तो जीरो माइनस एच एक्स की जगह साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस का बार एच आएगा। तो इसका मतलब है लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच साइन वन अपॉन माइनस, अब लिमिट पुट करेंगे तो बार जीरो गुणा इसका मान वन और वन तथा माइनस वन के बीच, वन तथा माइनस वन के बीच, ये क्या आ गया, इसका मान आ गया जीरो, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो दिस इम्प्लाइज फंक्शन का मान जीरो पे, फलन की बाई सीमा, फलन की दाई सीमा, तीनों क्या स्टूडेंट्स, तीनों बराबर हैं, अतः फलन एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी तो आ गई, एक्स बराबर जीरो पे फलन क्या है, सतत है। अब देखेंगे अवकलनीयता, अवकलनीयता पहले देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो पे, तो जीरो प्लस एच, सी प्लस एच जो पॉइंट है उस पॉइंट पे, तो डेफिनेशन होती है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जो पॉइंट है वही एफ जीरो प्लस एच, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ये नीचे एच, एच का मान जीरो से बड़ा, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स ये वाला, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, उस कंडीशन में फलन क्या हो जाएगा हमारा, उस कंडीशन में जो फलन है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डैश जीरो प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, स्टूडेंट फंक्शन है ये वाला, एक्स की जगह जीरो प्लस एच रखना है, तो जीरो प्लस एच साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच, एफ जीरो पे फलन का मान जीरो है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस जीरो अपॉन नीचे आ जाएगा एच, तो ये बन गया हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो
बार एच साइन वन अपॉन एच, नीचे कितना बच गया एच, जीरो है माइनस तो जीरो, तो एच से एच इधर कैंसिल हो जाता है, बार एच नहीं रहता स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन एच। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का जो मान आया स्टूडेंट वो एक यूनिक मान नहीं आया, क्योंकि लिमिट पुट करेंगे वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, तो साइन वन इन्फिनिटी का जो मान है वन और माइनस वन के बीच होगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अर्थात मान आएगा वन तथा माइनस वन के बीच, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब वन और माइनस वन के बीच दोलन करेगा मान इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है सर, मतलब यूनिक मान नहीं है, वन और माइनस वन के बीच निर्धारित नहीं है, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यही नहीं एग्जिस्ट है मान, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान भी एग्जिस्ट नहीं होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या आएगा, एफ जीरो माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, एच का मान जीरो से बड़ा, ये डेफिनेशन होती है अपनी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मान रख लेंगे या जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, फंक्शन क्या है वो वाले एक्स के लिए जीरो माइनस एच रखना है, तो माइनस एच साइन माइनस वन अपॉन एच, ये वाला मान आएगा माइनस जीरो, नीचे आएगा माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो जाता है, वो ही मान आएगा इसका वन तथा माइनस वन के बीच, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट निर्धारित नहीं है मान, अतः यहाँ से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, या ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है, अतः दिया गया फलन जो है एग्जिस्ट ही नहीं है स्टूडेंट, तो ये कैसे लिखेंगे फिर हम, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का जो है वो एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अतः दिया गया फलन जो है वो एक्स बराबर जीरो पे क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो जो हमारी पर्याप्त कंडीशन थी थ्योरम 3.1 की, उस पर आधारित दो एग्जाम्पल थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों आए हुए हैं कि एक्स बराबर जीरो पे ये जो फलन दे रखा है वो क्या सतत है, किंतु हमने यहाँ पे देखा है कि फलन क्या नहीं है स्टूडेंट्स, अवकलनीय नहीं है। तो ये थे हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अवकलनीय फलनों के बीजगणित के बारे में देखेंगे कि अवकलनीय फलनों का बीजगणित कैसे होता है, और साथ में उसके अवकलज के गुणों पर आधारित थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।